ने कहा कि एक दे तो 10 पाई, पर किसी ने भगवान के लिए कहा, कोई भक्त था, एक भिखारी को कहा कि देखो तुम भीख तो मांगते हो, तो कटोरा लेके हाथ से मांग रहे, लेकिन मन बुद्धि से भगवान को याद करो तो एक दिन भगवान भी प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे कटोरे में डालने के लिए, मजबूर हो जाएंगे। तो जब भगवान आएंगे तो वो तुमसे ये कहेंगे कि जो मांगना है वरदान मांग लो। वो भिखारी यही किया, रोज सोचता था और रोज नया वरदान, आज ये मांगेंगे फिर दूसरे दिन सोचे नहीं, इससे दूसरा तीसरा, ऐसे माना समझ लो कि रोज वो कोई एक नया वरदान सामने बुद्धि में रखता था। तो भगवान तो आए लेकिन उल्टा हो गया, भगवान ने कहा ही नहीं कि तुम मेरे से वरदान मांगो, कहा तुम्हारी झोली में क्या है कटोरे में, कहा चावल है भगवान, कितना है दिखाया, कहा शाम तक यही मिला है, कहा ऐसा करो सब मुझे देना। सब मुझे दे दो। अब वो भी खा रही थी बेचारा परेशान, वरदान तो कहा ही नहीं मांगो, उल्टा जितना मिला है शाम को बच्चों को खिलाएंगे, अब वहां बच्चों की मोह ममता तो जागेगी ना, जाएंगे। अब भगवान की भी सुननी है, पेट भरना है, अब यहाँ ठेकेदार हो कोई बच्चों का हो गया, राज बहुत बड़ा था, तो उसने सोचा कि भगवान की बात को आज्ञाकारी करके एक चावल दे, और घर गया मुंह लटका के, पत्नी तो पूछेगी क्या भगवान प्रकट हुए थे, बारह सुना दिया, तो कहा अच्छा तो तुम भगवान को एक ही चावल दे आए, कहते बच्चों को क्या खिलाता, चलो ठीक है लाओ भगवान को यही मंजूर होगा हम लोग को। तो जब वो थाली में चावल साफ करने लगी तो एक चावल 10 गुना चावल के बराबर सोने का था। अब उसकी क्या बीती होगी, अब उसपे क्या बीती होगी। तो बच्चों के मोहों में भगवान को भी भूल गए, अब उससे तो बच्चे क्या तुम्हारी क्या पीढ़ी तर जाती। तो उसी समय भगवान जो कह रहा है अगर ये निश्चय है तो उस निश्चय में भी बहुत बड़ा कल्याण होता है।